कोलारस विधानसभा में सिंध जल आवर्धन योजना के तहत पानी पहुंचाने का कार्य चल रहा है। इस कार्य को एलएनटी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य में तेजी के साथ पानी की पाइपलाइन बिछाए जाने का कार्य किया जा रहा है। आज पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में कार्य कर रहे चार मजदूर सहित एक इंजीनियर, मिट्टी के ढेर में दबे हुए तीन मजदूर सहित एक इंजीनियर को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सभी घायलों को कोलारस के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इसके बाद कई घंटों की मशक्कत के बाद मिट्टी में दबे एक मजदूर को मृत अवस्था में बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार फोरलेन हाईवे किनारे केपीएस स्कूल के पीछे सिंध जलावर्धन योजना की पाइपलाइन में फंसी मिट्टी निकालने का कार्य एलएनटी कंपनी के चार मजदूर पीयूष मीणा, दिलीप मीणा, अब्दुल खान, विनोद एवं एक इंजीनियर अजीत कर रहे थे। सभी निवासी राजस्थान के बताए गए हैं। इसी दौरान जेसीबी से खोदकर निकाली गई मिट्टी का एक हिस्सा पाइप से मिट्टी निकालने का कार्य कर रहे चार मजदूर सहित एक इंजीनियर के ऊपर भरभराकर गिर गई, जिसमें सभी पांच लोग दब गए। घटना गड्ढे के ऊपर खड़े अन्य मजदूरों ने देख ली। इसकी सूचना तत्काल मैनेजमेंट को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सहित प्रशासनिक अमले ने रेस्क्यू कर कार्य शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तीन मजदूर सहित इंजीनियर को मिट्टी के मलबे से बाहर निकाल लिया गया। वहीं एक मजदूर की तलाश जारी रखी। घंटों की मशक्कत के बाद मलबे में दबे मजदूर अब्दुल को निकाला गया, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। अब्दुल की मलबे में दबने से मौत हो चुकी है। कोलारस एसडीएम ब्रिज बिहारी श्रीवास्तव का कहना है कि इस मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मतलब घटाया यहाँ सीएमओ ने मुझे अभी सूचना दी थी एक घंटे पहले, एक हादसा हो गया टोल टैक्स के प्रति कोलारस पब्लिक स्कूल के बाईपास पर। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो एल एन टी पाइपलाइन बिछा रही है उसकी मिट्टी धसने से कुछ मजदूर दब गए, तो मौके पर देखा है कि पांच मजदूर को सुरक्षित निकाल लिए गए। एक की डर अभी जो निकाला गया है वो मृत अवस्था में सूचना है इस तरह की। सर हादसे का क्या कारण रहा सर? उसकी तो विस्तृत जांच करेंगे।